कभी पुलिस के ऊपर भारी पड़ रहे प्रदर्शनकारी तो कभी प्रदर्शनकारियों पर भारी पड़ रही है पुलिस। गोलियों की गूंज से थर्राता ये वो शहर है जिसे यहूदी हो या ईसाई हो या मुसलमान, हर कोई इस शहर को श्रद्धा से ही देखता है। तस्वीरें इजराइल की राजधानी यरूशलेम की, जहां एक बार फिर रमजान के पवित्र महीने में कोरोना का देखते हुए लगाई गई पाबंदियों से नाराज होकर कई लोगों ने हिंसक प्रदर्शन किया। दरअसल यरूशलेम में फिलिस्तीनी लोगों के साथ साथ यहूदी लोगों ने भी प्रदर्शन किया। एक तरफ जहां फिलिस्तीनी लोग रमजान के महीने में कोरोना के चलते लगाई गई पाबंदियों से नाराज दिखे, वहीं दूसरी ओर यहूदियों ने अरब लोगों के विरोध में प्रदर्शन किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ प्रदर्शनकारी भिड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों प्रदर्शनों में करीब 44 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि इन प्रदर्शनों के चलते 20 पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं। पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकते प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस वालों को आंसू गैस के गोलों समेत पानी की बौछार करनी पड़ी। बता दें कि हाल के दिनों में यरूशलेम की ऐतिहासिक अलक्सा मस्जिद और आसपास के इलाकों में रमजान के दिनों में काफी प्रदर्शन और पुलिस के साथ झड़पें देखने को मिली है।